गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज तीज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह ही तीज की पूजा तो सुबह ही करनी है, क्योंकि 9 बजे तक ही पूजा का समय था, तो इसीलिए सुबह ही आ गई सारा काम करके फूल उल तोड़ने के लिए। और थोड़ा सा ऊपर का गार्डन भी थोड़ा सोची देख लूँ। फूल तोड़ रही थी तो आपको भी दिखा देती हूँ। ये जो पौधे थे ना, ये एकदम मर रहे थे और मैं इसको छत पर ले जाकर लगा दी, तो देखिए फ्लावर भी आने लगे हैं। इस तरह से देखिए फूल, सारे फूल तोड़ रही हूँ। अपराजिता भी बहुत अच्छे से खिला हुआ है, येलो कलर का जो है, हिबिस्कस भी है, रेड है, तो जो भी फूल मिला वो तोड़ ली। थोड़ा सा तुलसी पत्ता भी ले लिए। और छत का देख लीजिए नज़ारा, कितना सुंदर ये फ्लावर देख रही है, पर्पल का कितना सुंदर लग रहा है। और इसी का फ्लावर वाइट कलर का भी है, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। और गोमफरीना का फ्लावर देख लीजिए, वाइट कलर का कितना सुंदर लग रहा है। इसका जो है बीज इस बार मैं रख लूँगी, मैं तो सोची थी ख़त्म हो गया, लेकिन ये बीज अपने आप ये पौधा हो गया और फ्लावर हमको मिल गया। तो इस तरह से देखिए ये वाइट जो है अपराजिता और ब्लू अपराजिता, दोनों अपराजिता यहाँ पर है, और इससे फूल मैं तोड़ ली। और ये देख सकते हैं कल ही जो है पार्सल आया है, जो मैं मंगाई थी शंकर भगवान और पार्वती और गणेश जी की मूर्ति पूजा के लिए, तो आज कल आ गया, तो अच्छे से आज पूजा कर लूँगी। आज मैं इनको बैठा कर पूजा करूँगी। और इस तरह से देख लीजिए ये साबुन कपड़े में जो लगाते हैं ना, कपड़ा भी साबुन में रखने वाला है, ये अच्छे से आराम से आ जाएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये देख सकते हैं हम जो पहनने के लिए निकाले हैं, साड़ी साया ब्लाउज चूड़ी सब सारा सामान निकाल कर रखे हैं। और ये नया साड़ी है, अच्छा साड़ी है, बहुत हल्का है, सिल्क है, तो पहनने में बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मुझे भारी साड़ी पसंद नहीं है। और देख लीजिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इस तरह से वो भी मेरा साथ दे रहे हैं पूजा करने में। हम तैयार हो गए हैं, अब हम पूजा रूम में जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए सिंदूर जो है करना था, तो वहाँ शीशा नहीं था, तो मोबाइल देख कर ही मैं सिंदूर कर रही हूँ। तो इस तरह से हम पूजा वूजा करके फिर जो है बालकोनी में भी जाएंगे पूजा करने के लिए। यहाँ पूजा पूरा सब सारा चीज़ अभी कर रहे हैं, तो देख लीजिए अब डलिया भरेंगे। अब सारा पूजा वूजा हो गया है मेरा, अब डलिया भरेंगे, आरती कर रहे हैं, आरती करेंगे। तो इस तरह से तीज का पूजा भी अब जो है आज धीरे धीरे हो ही गया। लग रहा था कि पता नहीं कैसे तीज कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन सब भगवान की कृपा है, वही पार लगाते हैं। निर्जला रहना मेरे लिए थोड़ा कष्टदायक है, पानी जो है पानी के बिना मैं नहीं रह पाती हूँ, और तो चाय के बिना, लेकिन फिर भी आदमी चाहता है तो कुछ भी कर सकता है, भगवान के आस्था में सब कुछ है। तो ये जो है वीडियो एडिटिंग वगैरह सब मैं सही हूँ तो भी कर रही हूँ, क्योंकि मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है वॉइस ओवर करने में, लेकिन क्या करूँ वीडियो लेट हो जाएगा। तो देख लीजिए पूजा वूजा हो गया है, सारा डलिया वलिया भर लिए हैं, तो अब हम गार्डन में जाएंगे, वहाँ तुलसी जी रखे हुए हैं, तो उनकी भी पूजा करनी है। तो अब आरती करके हम गार्डन में जाएंगे। तो जो है आरती भी जो है ना, हम मोबाइल में चला दिए थे और आरती हम कर रहे थे, इसलिए मोबाइल वहाँ दिख रहा है आपको। और उसके बाद अब हम आरती करके उसके बाद जो है फिर गणेश जी की आरती किए, शंकर जी की और पार्वती जी की, तो समय अच्छा लग गया, आरती अच्छे देर आरती में लग गया। तो इस तरह से देखिए मेरा आरती उरती भी अब हो रहा हो गया है। अब हम गार्डन में आ गए हैं, यहाँ तुलसी जी जो है ना, ये जो तुलसी का गमला है ना, ये मंगाए थे हम ऑनलाइन, अगर आपको भी अच्छा लगे तो ज़रूर मंगाइएगा, अच्छा होता है तुलसी जी के लिए। तो छत पे बार बार हम जा नहीं पाते हैं, तो तुलसी जी ना मेरा ख़त्म हो गया था, इसमें तो हम लगा दिए थे और छत पे रख दिए थे कुछ दिन के लिए, और जब अच्छे से हो गया ग्रो तो हम ले आए, आज सोचे आज हम अच्छा से इसमें पूजा वूजा कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखिए तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं, और दिया भी जला दिए, अगरबत्ती भी जला दिए, सारा कुछ हम कर दिए। और जो हम ट्रे गार्डन बनाए हैं ना, उसमें जो शंकर जी बैठाए हैं, कृष्ण जी बैठाए हैं, तो उसमें भी हम पूजा जो है कर दिए, दिया आरती सब जला दिए, यहाँ भी पूजा कर दिए, क्योंकि
अच्छा लगता है हमको यहाँ। रोज हम सुबह शाम दिया जला देते हैं और अगरबत्ती भी दिखाते हैं इनको, बहुत अच्छा लगता है। और जब जल चढ़ाना होता है ना, तो शंकर जी पर और कृष्ण जी पर इस तरह से, देखिए आ गए, अब अपने सर को थोड़ा प्रणाम भी कर लिए, तो ये प्रक्रिया तो ख़त्म हो गई। और अब देखिए, अब हम दिखा रहे हैं कि देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मुझे तो अच्छा लगा, हल्का भी है और कलर भी ठीक है। तो इस तरह से मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो इस तरह से बने रहिए मेरे वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी।